सो दिस वॉज द फर्स्ट साइट दैट वॉज डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आपका पहला साइट था मेजर साइट था जो आपका डिस्कवर हुआ तो हड़प्पा सिटी तो ये आपका दयाराम राम सानी जी ने डिस्कवर किया था 1921 और 23 का ये पीरियड था दो साल तक काफ़ी टाइम इसमें लगा था और बहुत सारी चीज़ें क्योंकि देखिए इससे पहले क्या था इससे पहले जो आ, इंडिया का जो हिस्ट्री देखा जाता था वो सिर्फ वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट होता था क्योंकि उस टाइम के बहुत सारे रिसोर्सेज आपके, पा, आपके पास सोर्सेज आपके पास अवेलेबल थे बट उससे पहले का क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में आएगा प्री हिस्टोरिक में क्या है कि आपका वहाँ पर आपके पास कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जिसकी जिसको आप देख के बता पाए कि ये टाइम पीरियड ये था या ये सिविलाइजेशन थी तो ये जब डिस्कवरी हुई तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये तो मतलब पूरा पहले मिस्र को जो सिविलाइजेशन था जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था उसी को माना जाता था कि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वैसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आज भी उसी को माना जाता है बट उसके थोड़े पैरेलल ही इंडिया में इतना डेवलप्ड ऐसा सिविलाइजेशन जो कि मतलब पूरा परसेप्शन इंडिया का चेंज कर देगा जैसे ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो इंडियन लोगों का अक्रॉस द ग्लोब भी एक परसेप्शन बनाया उन्होंने बोला कि भाई हम लोग ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हम लोग सिविलाइज करने आए हैं इंडियंस को हम सिविलाइज करने आए हैं हम इंडियन लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई कैसे जीना है ये तो परसेप्शन बना था उन्होंने कि इंडियन लोग जो है वो उनको कोई आइडिया नहीं है उनकी कोई ऐसी सभ्यता नहीं है तो ऐसा नेगेटिव परसेप्शन उन लोगों ने बनाया जब ये डिस्कवरी हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक ऐसा अर्बन सिविलाइजेशन अगर आप देखें कि उस टाइम पे ऐसा अर्बन सिविलाइजेशन आपका पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं था जब आपका ब्रिटिश एम्पायर का कहीं अता पता ही नहीं था तब भी आपके पास इंडिया इंडिया में ऐसा अर्बन ऐसा डेवलप्ड एक आपका पास कल्चर था ठीक है तो इस डिस्कवरी ने पूरा जो इंडिया का परस्पेक्टिव था जो इंडिया का हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव था जो एनशियंट इंडिया का जो पूरा परस्पेक्टिव था वो पूरा चेंज कर दिया देखिए ऐसी चीजें क्या होती है जब आपका हिस्ट्री रिच होता है जब आपका कल्चर रिच होता है क्या होता है कि कल्चर हमेशा क्या चीज देता है आपको कल्चर हमेशा एक फीलिंग ऑफ प्राइड आपको देता है प्राइड के बिना देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाइए जो आगे वाली चीजें हैं फ्यूचरिस्टिक चीजों में वो ध्यान नहीं देना आपको बट कल्चर हमेशा अगर कल्चर रिच है कल्चर है उसको रिलेट करूंगा आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम देखा होगा मेक इन इंडिया अभी मेक इन इंडिया पर कितने सारे फिर मैं आपको बताऊँ की बहुत सारे डेली आप न्यूज में आप देख सकते हैं कि आप या तो एक दो दिन आप छोड़ दीजिए वरना रोज आपको मेरे मिलेगा कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिल जाएगी चाहे आप ट्विटर देखें या फिर इंस्टा देखें फेसबुक देखें या फिर टीवी चैनल ठीक है मेक इन इंडिया क्या 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 चीज़ शो करता है मेक इन इंडिया में शो करता है कि इंडिया जो है कैपेसिटी बिल्ड करेगा मेक इन इंडिया शो करता है कि फिलिंग ऑफ प्राइड ये चीज़ें होगी कब जब आप आपको कॉन्फिडेंस खुद पे है ये तभी तो होगा तभी तो आप ग्रो कर पाएंगे तो कल्चर अगर आपका रिच है और वो रिच कल्चर आपको फीलिंग देगा कॉन्फिडेंस की फीलिंग देगा इसीलिए अगर आप देखें ब्रिटिश एरा में जिन लोगों ने क्या जिन लोगों ने इंडियन मूवमेंट को जो है एक एक दिशा दी जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया उन लोगों ने हमेशा क्या बोला उन्होंने बोला गो बैक टू द एंशियन टाइम उन्होंने बोला जो हमारा प्राचीन कल्चर था हमें उसकी तरफ जाना चाहिए वो क्या था वो आपको एक सेंस ऑफ प्राइड देगा वो आपको बोलेगा अंग्रेज कोई महान लोग नहीं है आप लोगों का कल्चर इतना रिच है आप क्यों उन लोगों को महान मानते हो ठीक है तो आप लोग अपने आप ग्रो करिए आप लोग उनको चैलेंज करिए उनकी अथॉरिटी को ठीक है तो ऐसे आ, आपको भी अपना जो कल्चर है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसकी रिचनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और अगर आप आगे एक ऑफिसर बनते हैं एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आगे आपको पूरा इंडिया भी घुमाया जाता है और उसमें भी आपको इंडिया का जो कल्चर है जो उसकी रिचनेस है वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है बट अभी आपके पास मौका है कि आप बुक्स पढ़ के इंडिया का जो कल्चर है या फिर एंसियन टाइम पर जो इंडिया का कल्चर था और जो चीज़ें इंडिया में थी जो रिचनेस इंडिया के कल्चर में उस चीज़ों को जान पाए और उसको को करें आज के टाइम पर कि आज के चैलेंजेस क्या है और कैसे मैं उस चीज से इंस्पिरेशन लेके ठीक कर सकता हूं देखिए सिविल सर्विस में आ, यहां पर कंप्लेनिंग लोग लोग नहीं चाहिए। लोग नहीं चाहिए चाहिए कि जो बार बार क्वेश्चंस करे जो बार बार मैं यही नहीं कहता हूं कि क्वेश्चन करना बेकार है आपकी फ्रीडम है आप कुछ भी पूछ सकते हैं अथॉरिटी से पूछ सकते हैं आप किसी से भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं बट ऐसे लोग चाहिए जो कि सोल्यूशन ड्रिवन हो जो लोगों को सोल्यूशन में बिलीव होता हो तो इस टाइप के लोग चाहिए सिविल सर्विस उसी की डिमांड करती है तो आप लोगों को भी क्या करना है इंस्पिरेशन लेनी है पढ़ना है बहुत सारी चीजों को और उसको रिलेट करना है तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका दयाराम राम जी ने डिस्कवर किया था और ये आपका सिचुएटेड है कहाँ पे आपका रावी रिवर और ये रावी रिवर क्या है आपकी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की ठीक है और अगर आज के टाइम की बात करें तो आपका ये जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उस पर्टिकुलर हिस्से में अभी अगर प्रेजेंट टाइम के बाद बात करूं तो सिचुएटेड है ठीक है और यहां पर मैंने आपको बताया कि सिमेट्री भी और आपका जो बरियल साइड्स होती है और आपका ग्रेनरीज यहाँ पे मेंशन नहीं है पर जो स्टोरेज जो प्लेसेस होते थे जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर किया जाता वो भी आपका हड़प्पा में पाए गए बहुत सारे अदर भी आपको एविडेंस मिलेंगे आप गूगल सर्च करिए आज जाके हडप्पन सिविलाइजेशन या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इन हडप्पन सिविलाइजेशन देखिए ये क्वेश्चन प्रीलम्स में बहुत बार आएंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार इन इन क्वेश्चनों पर आपको फोकस लेके चलना है ठीक है तो हडप्पन सिविलाइजेशन को आप गूगल सर्च करेंगे आज जाके गूगल सर्च करके आपके सामने आ जाएंगे कि इतनी फाइंडिंग्स है अभी तक तो ये सर मैं अगर हिंदी में इसको बताऊँ सिमेट्री वो होती है जहां पे आ, जो ब्रियल्स क्या, क्या जाता है या फिर अंतिम संस्कार मैं सिंपली बोलूंगा संस्कार करने वाली हर रिली रिलीजियस जो हर रिलीजन के लिए अलग अलग हो सकता है किसी को कुछ बोलते हैं पर्टिकुलर रिलीजन में किसी को कुछ बोलते हैं तो ये जहाँ पे आपका अंतिम संस्कार जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है तो वो साइट्स होती है सिमेट्री ठीक है ये आपको जो अलग अलग साइट है आप गूगल पे बैठ के सर्च करिए साइड बाई साइड आप क्वेश्चन करना स्टार्ट यहीं पर दीजिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्लेम नहीं करता हूँ कि आई हैव ओल्ड नॉलेज कि मेरे को सब कुछ यहाँ पे पता है हिस्ट्री का मैं यहाँ पे ज्ञाता हूं मैं आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट हिस्ट्री बट आपको क्वेश्चन करना है आपको डिस्कशन करना है ठीक है